सुंदरबन जंगल में सब ठीक ठाक चल रहा था। जंगल का राजा चील अपने जंगल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा था। जंगल का राजा एक चील होने की वजह से बाकी सारे पंछी सुरक्षित महसूस करते थे। राजा को एक बेटी थी जिसका नाम स्वीटी था। वो बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। उसे राजा की बेटी होने का बहुत घमंड था। राजा को कोई और संतान नहीं थी जिस पर वो अपने जंगल का सारा भार सौंप सकता था। अजी क्या हुआ, आप किस बारे में सोच रहे हो? आप बहुत ही चिंतित लग रहे हो। अरे कुछ नहीं भगवान, मैं बस यही सोच रहा था कि अब मेरी उम्र हो गई है और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तब मेरे जाने के बाद मेरे पीछे मेरे जंगल का क्या होगा। अजी आप ऐसी अनाप शनाप बातें मत करो। हम दोनों को अभी बहुत सालों तक जीना है, और रही बात जंगल को संभालने की, तो हमारी बेटी स्वीटी है ना, वो संभालेगी हमारे जंगल को। मुझे तो नहीं लगता स्वीटी जंगल को संभाल पाएगी, क्योंकि वो बहुत लाड़ प्यार में बड़ी हुई है। हमने उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, और तुमने तो उसे अपने सिर पर चढ़ा रखा है। तुम उसे कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं कहती। जाने दो, आप अभी से इन सब बातों की चिंता मत करो, जब का तब देखा जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर राजा की बेटी स्वीटी आ जाती है। पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी के अभी खरगोश खाना है। आप कहीं से भी जाकर मेरे लिए खरगोश लाइए। स्वीटी बेटा, क्या तुम हमारे जंगल के नियम भूल गई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हम मांसाहार में सिर्फ हमारे जंगल के मरे हुए जानवर खा सकते हैं। और अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो तुम किचन में जाकर कुछ शाकाहारी खाना खा लो। तुम ये मत भूलो कि तुम जंगल के राजा की बेटी हो। जो नियम हमारे जंगल के बाकी के पंछियों पर लागू होते हैं वो हम पर भी होते हैं। अरे अरे बस करो, और कितना बोलोगे मेरे बेटी को? और उसने ऐसा क्या मांग लिया? सिर्फ एक खरगोश ही तो मांगा है। आप सिपाहियों से कहकर खरगोश लेकर आने को बोल दीजिए। हमारे जंगल में तो बहुत सारे खरगोश हैं। उनमें से एक मर भी गया तो क्या होगा? माया तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें तुम्हारे बेटी के जिद के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे इस लाड़ प्यार की वजह से ये इतनी बिगड़ गई है। जंगल के सारे पंछियों के साथ साथ बाकी के जानवरों की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं सिपाहियों को कहीं नहीं भेजूंगा। स्वीटी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लो नाराज कर दिया ना मेरी बेटी को, खरगोश ना सही, मैं मेरी बेटी को किचन में जाकर मस्त पिज्जा बनाकर खिलाती हूँ, उसे पिज्जा बहुत पसंद है। माया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह मीनू मौसी राजा जी के पास एक शिकायत लेकर आती है। जब वो महल में आ रही थी तब उसके पंख से महल में रखी हुई एक कीमती फूलदान गिर जाती है और टूट जाती है। तभी वहाँ पर स्वीटी आ जाती है और टूटे हुए फूलदान को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और मीनू मौसी को डांटने लगती है। अरे ओ बुढ़िया, ये तूने क्या कर दिया? स्वीटी बेटा, ये फूलदान मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। मैं जब अंदर आ रही थी तब गलती से मेरा पंख इस फूलदान पर लग गया और ये गिर गया। अरे ऐसे कैसे पंख लग गया? तुम ठीक से देखकर नहीं उड़ सकती थी? क्या तुम्हारे आँखों में मिट्टी चली गई थी? न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, गरीब कहे की। हाँ। स्वीटी के ऐसा कहते ही मीनू मौसी को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ स्वीटी की बच्ची, मैं तुझसे ठीक से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोले। मैंने कहा ना, ये फूलदान मुझसे गलती से गिर गया। मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ, फिर भी तू मुझसे तू तेरा करके बात कर रही है और तू मुझे गरीब बोल रही है। मेरा बस चले तो मैं ऐसे 10 फूलदान एक साथ एक लाइन में लाकर यहाँ पर रख दूँ। बड़ी आई मुझे बोलने वाली, तू देख लेना, तुझे कभी ना कभी हम पंछियों की जरूरत जरूर पड़ेगी। आवाज सुनकर राजा और माया वहाँ पर आ जाते हैं। अरे मीनू मौसी, आप यहाँ कैसे? और ये शोर कैसा? यहाँ पर क्या हो रहा है? मीनू मौसी राजा जी को सारी बात बताती है। स्वीटी ये तुमने बहुत गलत किया, मीनू मौसी इस जंगल की सबसे बुजुर्ग चिड़िया है और तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रही हो।
उन्होंने कहा ना कि उनसे गलती हो गई, फिर भी तुम उन्हें बोल रही हो। चलो उनसे माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। स्वीटी वहाँ से चली जाती है। मीनू मौसी, स्वीटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं राजा जी, आप माफी मत मांगो। वैसे मीनू मौसी, आप यहाँ पर क्यों आई थी? मैं आपके पास नागराज की शिकायत लेकर आई थी। नागराज की शिकायत? अब उसने क्या किया? राजा जी, नागराज जंगल में आकर पंछियों के अंडों को खा रहा है, और अगर उसे अंडे नहीं मिले तो वो सीधा पंछियों को निगल रहा है। मैं उसी की शिकायत लेकर आपके पास आई थी। आप जल्दी से उस नागराज का बंदोबस्त करो, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप चिंता मत करो मीनू मौसी, मैं अभी खुद जाकर नागराज को इस जंगल से खदेड़ कर आता हूँ। जो भी हमारे जंगल के नियमों को तोड़ेगा उसे इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्रिया राजा जी, अब मैं चलती हूँ। मीनू मौसी के जाते ही चील राजा सिपाही लेकर नागराज को जंगल से बाहर खदेड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। मीनू मौसी राजा के महल से निकलकर बातचीत करने वाले पेड़ पर आ जाती है। अरे मीनू मौसी, आप कहाँ पर चली गई थी? मीनू मौसी सबको सारी बात बताती है। ये तो बहुत गलत बात है, राजा की बेटी बहुत बदतमीज हो गई है। अगर समय रहते राजा जी और माया चील ने उसे तमीज सिखाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। हाँ मीनू मौसी, लेकिन अच्छा हुआ आप नागराज की शिकायत लेकर गई थी। आज से नागराज हमारे अंडों को नहीं खाएगा, ना कि हम पंछियों को। दूसरे दिन दोपहर के समय जंगल के कुछ पंछियों के बच्चे महल में आकर स्वीटी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। शुरुआत में तो स्वीटी सबके साथ अच्छे से खेल रही थी, लेकिन जब बच्चों की छुपने की बारी आई और जब स्वीटी को सबको ढूंढना था तब उसने खेलने से मना कर दिया। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे जैसे गरीब और गंदे बच्चों के साथ, चलो जाओ यहाँ से। बच्चे अपने घर चले गए और अपने मम्मी पापा को ये बात बताई। बेटा जग्गू, अब से तुम महल में खेलने के लिए मत जाना। तुम तुम्हारी बाकी दोस्तों को भी ये बात बता दो। ठीक है पापा। फिर एक दिन स्वीटी अपने पापा के पास आ जाती है। पापा, मुझे बाहर अकेले घूमने जाना है। स्वीटी बेटा, तुम अभी छोटी हो, चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सिपाहियों को भेजता हूँ, तुम उनके साथ चली जाओ। नहीं पापा। मैंने एक बार कह दिया ना नहीं, तुम्हें जाना है तो तुम्हारे साथ सिपाही भी आएंगे, नहीं तो तुम कहीं नहीं जाओगी। स्वीटी फिर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। सिपाहियों, स्वीटी पर नजर रखो, कहीं वो हमसे छुपकर अकेली ना चली जाए। स्वीटी के कमरे के बाहर दो सिपाही और कमरे के अंदर सिपाहियों की बीवियाँ स्वीटी पर नजर रखने के लिए आ जाते हैं। अब क्या मुझे नजर कैद में रखोगे? कम से कम मेरे रूम में तो मत आओ। अब चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सिपाही ये बात राजा को बताते हैं। उस पर राजा जी उन्हें रूम के बाहर से स्वीटी पर नजर रखने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद स्वीटी रूम के खिड़की से भाग जाती है। चलो अब तो मैं महल के बाहर आ गई, अब कौन रोकेगा मुझे? अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। स्वीटी घूमते घूमते बहुत दूर तक आ गई थी। अरे यार, ये जंगल कितना बोरिंग है, मुझे तो अब प्यास लगी है, अब मुझे पानी कहाँ पर मिलेगा? थोड़ी देर और खोज करने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है। वो उस तालाब के किनारे के पास आ जाती है और पानी पीने लगती है। अरे थू 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 थू, कितना गंदा पानी है, इस पानी को पीने से अच्छा है मैं प्यासी रहूं। स्वीटी वहां से निकल पड़ती है। चलो अब मुझे महल वापस जाना चाहिए, उड़ते उड़ते मैं बहुत दूर तक आ गई हूँ। वो वापस महल की ओर निकल पड़ती है। जब वो वापस आ रही थी तब उसे अचानक से चक्कर आने लगे और देखते ही देखते वो नीचे जमीन की तरफ गिरने लगी। जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गई। तभी वहाँ से दो शिकारी वल्चर शिकार की तलाश में घूम रहे थे, वल्चर माने गिद्ध।
स्वीटी को देखकर वो उसके पास आ जाते हैं। मीनू मौसी अनाज लेकर वहां से गुजर रही थी। वो ऊपर से स्वीटी और गिद्धों को देख लेती है और उनके पास वाले पेड़ के पास चुपके से आकर बैठ जाती है। अरे ये तो राजा की बेटी है, लेकिन ये अकेले बाहर क्या कर रही थी? अरे वाह वाह वाह, आज तो हमारी निकल पड़ी, आज हम एक चील को खाएंगे। अरे ओ पगले, तेरी खोपड़ी सटक गई है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये राजा की बेटी स्वीटी है। अगर हमें इसे खाते हुए किसी ने देख लिया तो राजा हमें कच्चा चबा जाएगा। इससे अच्छा हम इसे किडनैप करते हैं और राजा को इसके बदले ढेर सारा सोना मांग लेते हैं। हाँ ये सही रहेगा, चल इसे उठा लेते हैं। शिकारी उसे उठाकर ले जाने ही वाले थे कि तभी मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। क्यों रे बदमाश गिद्धो, तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? मैंने तुम्हारी सारी प्लानिंग सुन ली है, अगर ये बात राजा को पता चल गई तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे ओ बुढ़िया, तू जिंदा रहेगी तभी तो राजा को ये बात पता चलेगी ना। शिकारी मीनू मौसी पर हमला करने ही वाला था तभी मीनू मौसी ने उन दोनों के आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। अरे अरे बुढ़िया, ये तूने क्या कर दिया? अरे बाप रे, मेरी आंखें तो जल रही है। अरे बटले, चल भाग यहाँ से। गिद्ध वहाँ से भाग जाते हैं। बड़े आए मुझसे पंगा लेने वाले, भूलो मत मीनू नाम है मेरा। देखा स्वीटी की बच्ची, मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे एक ना एक दिन हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी। मुझे तो तेरी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं हमारे राजा जी के लिए ये कर रही हूँ। लगता है ये बेहोश हो गई है, अब मैं अकेले तो इसे उठाकर नहीं ले जा सकती, मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। तभी मीनू मौसी को कालू कौवा वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। वो कालू को आवाज लगाती है, कालू वहाँ पर आ जाता है। मीनू मौसी सारी बात उसे बताती है। कालू समय ना गवाते हुए जाकर पंछी एम्बुलेंस लेकर आता है। इधर बहुत देर तक स्वीटी कमरे से बाहर नहीं आई, इसीलिए उल्लू की पत्नी अंदर जाकर देखती है। उसे स्वीटी कहीं पर नजर नहीं आती। रूम की खिड़की खुली देखकर वो समझ जाती है कि वो भाग गई है। सिपाही ये बात राजा जी को बताते हैं। राजा जी डर जाते हैं और सिपाहियों को लेकर स्वीटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कालू कौवा और मीनू मौसी स्वीटी को पंछी एम्बुलेंस में लेकर डॉक्टर तोते के पास आ जाते हैं। डॉक्टर तोता स्वीटी की जांच करते हैं और उसे सलाइन लगाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है मीनू मौसी, डिहाइड्रेशन की वजह से ये बेहोश हो गई है, मैंने सलाइन लगा दिया है, थोड़ी ही देर में ये होश में आ जाएगी। सिपाही और राजा जी के बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें स्वीटी कहीं नहीं मिलती। वो वापस महल आ जाते हैं। क्या हुआ, मेरी बेटी कहाँ पर है? हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। वो मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी जाकर मेरी बेटी को लेकर आइए। के तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू राजा और माया को सारी बात बताता है। वो तीनों डॉक्टर तोते के पास आ जाते हैं। स्वीटी भी होश में आ गई थी, वो अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताती है। जब स्वीटी को पता चलता है कि मीनू मौसी ने उसकी जान बचाई तब वो शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए मीनू मौसी, मैं आपकी और जंगल के सारे पंछियों की मेरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मीनू मौसी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से हमें हमारी बेटी वापस मिल गई।